जो मेटोनिमी है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से है, और इस ग्रीक का जो वर्ड है, इस ग्रीक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड का अ चेंज ऑफ नेम। अ चेंज ऑफ नेम ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेटोनिमी, जो बेसिकल, तो इसको समझने के लिए हमको एकदम सिंपल डेफिनेशन पहले लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये क्या होता है कि दो चीजें बहुत ही कंफ्यूज करने लगती हैं। तो एकदम सिंपल से चलते हैं और फिर दूसरी चीज को उठाएंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें एक ऐसी चीज में ये अप्लाई किया जाता है, ये लिटरल टर्म, जिसे हम कहते हैं कि इन दिस, पहले से सिंपल डेफिनेशन में लगा देता हूं मैं, इन दिस वन ऑब्जेक्ट और आइडिया, एक ऑब्जेक्ट या आइडिया टेक्स द प्लेस, इससे सिंपल नहीं हो सकता, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर विद विच इट हैज अ क्लोज एसोसिएशन। ये चेंज ऑफ नेम का मतलब ही ये है कि एज ए लिटरेरी डिवाइस ये एक तरीका है एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करने का, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है या एक आइडिया है, ये दूसरी चीज से मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब इस चीज की जगह मैं इसको यूज करने वाला हूं, नंबर टू को, नंबर वन की जगह मैं नंबर टू को यूज करने वाला हूं, और ये जो नंबर टू है जिसको मैं इसकी जगह यूज करने वाला हूं, ये पहली चीज के साथ बहुत ही बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। इस पहली चीज के ही किसी गुण से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिससे हम उसको समझ पाते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक क्लोजली एसोसिएटेड होती है उससे, और वो इस ये जो क्लोज एसोसिएशन होता है, जो हमें दिख रहा होता है संबंध उन दोनों का, वो रिलेशन एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होता है जो कोई भी आदमी समझ जाता है, नहीं तो ये फिर आप मेटाफर कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो रिलेशन ढूंढा जाता है वो बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होता है हर एक के लिए, जिससे समझ में आ जाता है। अब जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि जब आप कहते हो कि द क्राउन, अगर आपने कही बात किसी जगह द क्राउन, ठीक है, तो ये क्राउन सबसे ज्यादा किससे रिलेट होता है, बताओ। किंग क्वीन, किंग, किंग्स, किंग या क्वीन। अब एम्परर से रिलेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किंग की जगह कौन सी चीज को यूज कर सकता हूं, क्राउन। क्राउन को, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहता हूं, एक और किंग के लिए यूज हो जाता है, द सेप्चर। द सेप्चर, अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी है, तो जो राजा होते थे पहले जमाने में, वो अपने साथ एक दंड रखते थे, यानी एक 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 लाठी टाइप की होती थी, जो आर्टिस्टिक होती थी बहुत, जो उसके पावर का प्रतीक होती थी, ठीक है। तो ये भी किसको दिखाता है, किंग को।
अगर आपने शेक्सपियर की द मर्सी पोयम पढ़ी है, पढ़ी है किसी ने? हाँ उसके का जो डायलॉग है जिल बिल्कुल, वो डायलॉग है और उसको पोयम के रूप में किताबों में दिया जाता है। तो उसमें वो कहती है कि मर्सी इज पावरफुल देन द सेप्चर ऑफ द किंग, यानी कि जो उसका जो रॉड है या जो लकड़ी है जो उसकी पावर को दिखा रही है, मर्सी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वहां भी सेप्चर का यूज होता है, सेप्चर भी किंग की पावर को दिखाता है। ठीक है, अच्छा मैं जब कहता हूं, ये देखो कितना बढ़िया है, हॉलीवुड कहता हूं तो क्या समझते हो? अमेरिका, अमेरिका समझते हो? मैं तो नहीं समझता अमेरिका, इंग्लिश मूवी सर, इंग्लिश मैं तो मूवी, समझता हूं अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। पूरा बोलो ना, अमेरिका थोड़ी है हॉलीवुड, नहीं तो तुम तो उसके प्रेसिडेंट को ये बना दोगे कोई हंसाने वाला एक्टर कार्टून। ठीक है, वैसे ही मैं जब बॉलीवुड कहता हूं तो मैं क्या समझता हूँ? इंडियन फिल्म जो है इंडस्ट्री, खासकर जो मुंबई की है, और टॉलीवुड कहूंगा तो साउथ सिनेमा। ठीक है, समझ रहे हो? अब एक और चीज समझते हैं सेंटेंस में। मैं तुमसे कहता हूं कि आई हैव रेड द इंटायर मिल्टन, तो क्या समझे? ओहो, ये जिनका फोन है या तो वो अपना माइक ऑफ कर लें भाई। अगर आप माइक ऑफ कर लोगे तो फिर आपका फोन चाहे शेर की तरह दहाड़ता रहे हमें समझ में नहीं आएगा। आप माइक ऑफ करके बैठ जाइए बस। तो आई हैव रेड द इंटायर मिल्टन का मतलब क्या हुआ? कि मैंने मिल्टन राजू को पढ़ लिया है उनके साथ खड़े होके। मैंने मिल्टन के वर्क्स को पढ़ लिया है। यस बिल्कुल, मैंने सारे मिल्टन के वर्क को पढ़ लिया है। भाई मैंने तो यहाँ मिल्टन के वर्क लिखा ही नहीं था, तुम कैसे समझ गए होगे? क्योंकि तुमने कुछ ऐसे, सबने ऐसे कॉमन अनुभव लिया है कि अगर हम कोई राइटर को पढ़ लिया कहते हैं तो उसके सारे वर्क को पढ़ते हैं। ये कहीं किसी किताब में लिखा होगा, आपने जरूर ऐसा पढ़ा होगा, तब आप इसको समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस है। बोलो, जैसे लोग कहता है आई हैव रेड शेक्सपियर, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है उसके सामने खड़े होके, बल्कि ये है कि आई हैव रेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर, या उसके सारे वर्क पढ़े। तो मैं बोल रहा हूँ शेक्सपियर और तुम समझ रहे हो शेक्सपियर के वर्क। तो ये जो कॉमन एक्सपीरियंस है आपका किसी चीज को समझने का, वो बेसिकली एक आइडिया को दूसरे से रिप्लेस कर रहा है, और जिससे रिप्लेस कर रहा है वो पहले ही आइडिया के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, और ऐसे एसोसिएटेड है कि वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस में झलकता है जिससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, बोलो समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मेटोनिमी। ठीक है, तो इसमें अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए मेटोनिमी में। ठीक है, और भी मैं बहुत सारे दे सकता हूं, जैसे हम कहते हैं सिल्वर स्क्रीन, तो क्या समझते हो सिल्वर स्क्रीन से? सिनेमा हॉल पे, सिनेमा, यस, आपको सिनेमा हॉल और वहां की स्क्रीन समझ में आती है। ठीक है, तो ये सब आपको आराम से बेसिकली मेटोनिमी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई कोटेशन भी लिखा दूं मेटोनिमी के? यस सर। सर वो एक दिखाया था ना आपने, सिटिंग ऑन द लैपटॉप वाला या कंप्यूटर वाला, वो भी इसी का एग्जांपल है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हो वेयर इज योर ब्रदर, तो कहते ही इज सिटिंग इन द लैपटॉप। ठीक है, तो बेसिकली वो लैपटॉप में बैठा होता है क्या?
सर वो तो लैपटॉप, सिटिंग इन द लैपटॉप का मतलब है कि वो वहां वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोटेशन लें तो मेटोनिमी के कुछ माया एंजेलू का एक कोटेशन है, ठीक है, बी द रेनबो इन समवंस क्लाउड, बी द रेनबो इन समवंस क्लाउड, ये काफी फेमस कोटेशन है। छोड़ो कोटेशन, अब तो तुम समझ चुके हो इसको, मेटोनिमी को। अभी ये मेटोनिमी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि अभी सिनेकडोकी के बाद हम इसमें दोबारा आएंगे। सिनेकडोकी के बाद तुम्हारे घोड़े दौड़ने लग जाएंगे दिमाग के, तो पहले सिनेकडोकी को भी समझ लेते हैं, तब फिर से इनमें लौटते हैं। तो अब अगला फिगर ऑफ स्पीच आता है सिनेकडोकी, फिर असली डिस्कशन तब आएगा बाहर। सिनेकडोकी भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टेकिंग टुगेदर, टेकिंग टुगेदर। अब यहां क्या होता है, यहां को जरा समझते हैं कि इसमें क्या चीज होती है, कि इसमें बेसिकली लिख सकते हैं अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, ये इसका सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड गिव मी वन मिनट ब्रेक, मुझे जरा गले में प्रॉब्लम हो रही है, मैं जरा पानी पी लूं। कैन आई? ऑफकोर्स सर, मैं पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा वो फील कर रहा हूँ मैं, इरिटेशन गले में। तो आप ऐसा करो, तब तक आप बात करो, आई विल टेक ओनली 30-40 seconds, ठीक है। अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, इसको समझना होगा, ठीक है। और इसका दूसरा भी एक कंसेप्ट है, और द होल इज यूज्ड यूज्ड टू सिग्निफाई अ पार्ट, अब इसमें क्या है, देखो इसको भी समझते हैं। इसमें क्या है, एक चीज है, इस चीज का एक हिस्सा ले लिया, एक पार्ट, और उस पूरे पार्ट से इसी चीज को सिग्निफाई किया, ठीक है। या फिर ये पूरी चीज को ले लिया और इस पूरी चीज से इसके ही एक हिस्से को सिग्निफाई किया, तो पहले केस और इस केस में कुछ अंतर नजर आ रहा तुम्हें, जो पहला अभी बताया था मेटोनिमी और इसमें? सर पहले वाले में क्लोजली रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो होंगी, हाँ, और सेकंड वाले में उसी का पार्ट या फिर वो खुद होगा पूरा। हाँ देखो, पहले वाले में क्या था कि दो चीजें थी, दोनों चीजें अपने आप में फिजिकल अपीयरेंस रखती थी अलग, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन दोनों चीजें एक दूसरे का मेन चीज ये था कि हिस्सा नहीं थी, पार्ट नहीं थी। वो दो चीजें यहां भी हो सकती है ऑफकोर्स, लेकिन ये पार्ट नहीं थी बल्कि उससे क्लोजली एसोसिएट करती थी, उससे संबंध रखती थी। यहां पर वो उसका इंटीग्रल पार्ट होंगी चीजें, ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं कहूंगा एटलीस्ट इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 10 hands, 10 hands में मैंने सिनेक्डो की यूज किया। अब ये 10 hands जो है इसका मतलब है कि मुझे 10 worker चाहिए, 10 आदमी चाहिए। तो जो हैंड है वो आदमी का ही क्या है, एक हिस्सा है। गेटिंग और नॉट? तो 10 hands जो डिस्क्राइब कर रहा है वो 10 आदमियों को डिस्क्राइब कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. एक yes, और चीज, एक और चीज समझते हैं। 100 sales अब ये 100 sales ये बेसिकली एक पार्ट है शिप का, ठीक है, क्योंकि 100 sales का मतलब है शिप, ठीक है। और स्लैंग में हम जैसे कहते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज को ये कहना है कि व्हील्स, व्हील्स की बात करें तो व्हील्स का मतलब क्या होता है? व्हील्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीधे सीधे मोबिलिटी को, कार को। हाँ, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में व्हील्स का मतलब हम तुरंत व्हीकल समझ लेते हैं, कार, ट्रक, ये कुछ भी जिसमें व्हील्स हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो मोबिलिटी है उसका ये पार्ट है, ठीक है। तो सिनेक्डोकी में बेसिकली वो उसका एक हिस्सा होता है या पूरी चीज जो है बेसिकली उसको दिखाती है, ठीक है। अब हम अभी इसमें और गहरा जाएंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें और एग्जाम्पल दे दूं। ओके, और एग्जाम्पल लिख लो जिससे तुम्हें घर में समझ में आता रहे। जैसे मैं कहता हूं द पेंटागन, तो पेंटागन से तुम्हें किसको रिलेट करते हो या किसको सिग्निफाइज करते हैं? जो यूएस मिलिट्री, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। हाँ, यूएस मिलिट्री जो बेसिकली डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा है पेंटागन, ठीक है, वो हो गया। ऐसे ही मैं अगर कह दूं कि बिहाइंड बार्स, तुमने बहुत सुना होगा बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है? प्रिजन सर। जेल, क्यों? क्योंकि ये बार क्या है, जेल का एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही मैं कहता हूं थ्रेड्स, तो थ्रेड सिग्निफाइज करता है क्लोथ्स को, क्योंकि थ्रेड्स क्लोथ्स का क्या है, एक पार्ट है। फ्रेज में देता हूं एग्जांपल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स यानी सारे आदमी कहां है, जहाज में, डेक में खड़े हैं। फेसेस इन द क्राउड, ये भी सारे आदमियों को डिस्क्राइब करता है फेस, ठीक है। तो मैं जूलियस सीजर का एक याद होगा कि, ठीक है, लेंड मी योर ईयर्स जेंटलमैन, रोमन्स कंट्री मैन एंड नोबल्स, लेंड मी योर ईयर्स, कौन कहता है? एंटोनी। एंटोनी जब स्पीच, एंटोनी जब स्पीच देने आता है, ठीक है, तो लेंड मी योर ईयर्स का मतलब है कि आप मुझे क्या करें, सुने। ये ईयर्स उसका एक पार्ट है। सर एक एग्जांपल, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। ही हैज मेनी माउथ टू फीड, बिल्कुल सही।
दोनों सेम ही लग रहे हैं, मेजर डिफरेंस क्या होगा? यही मेजर डिफरेंस होगा, मैंने कहा था ना अभी तुम्हारे दिमाग का कीड़ा कुल बुलाएगा थोड़ी देर में, तो उसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया है। ठीक है, अब मैं इसके बाद जाऊंगा इन दोनों के डिफरेंस में। वैसे तो मैं डिफरेंस बता चुका हूं कि इसमें वो क्लोजली एसोसिएशन नहीं होगा बल्कि वो उसका ही पार्ट होगा। ठीक है, चलो तुम्हें एक बार बात करते हैं। ये एक राजा है बहुत स्मार्ट, ठीक है, और ये एक क्राउन है, यही तो था मेटोनिमी में। ये क्राउन राजा की बॉडी का हिस्सा है क्या? No. Okay. तो क्राउन उसका हिस्सा नहीं है, किंग अलग है और क्राउन अलग है। ठीक है, ध्यान से देख रहा हूं। लेकिन इस क्राउन से मैंने इसको एसोसिएट किया है पावर के साथ। तो बेसिकली जब मैं क्राउन की बात कर रहा था तो मैं पावर की बात कर रहा था और पावर एसोसिएट हो रही थी राजा से। ठीक है, अब अगर राजा नहीं होता, ये राजा एक आदमी है बेसिकली, ठीक है, और उस आदमी में ये क्राउन जो इंडिकेट करता है वो पावर को करता है न कि आदमी को। तो क्राउन एसोसिएट करता है उसकी पावर के साथ, तो राजा के साथ पूरी तरह एक आदमी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, वो किंग के साथ कर रहा है एसोसिएट। अगर एक क्राउन को हटा दो तो वो आदमी है सिर्फ, ठीक है, वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि 10 hands, तो 10 hands का मतलब ये कह रहा है कि 10 men, तो सीधे सीधे जो हैंड्स हैं वो एक इसका हिस्सा है आदमी का, जो आदमियों की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले वाले केस में सिर्फ एसोसिएशन है, उसका कनेक्शन है, और दूसरे वाले केस में डायरेक्ट वही है जो उसका एक हिस्सा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। जी सर। ठीक है, yes, एक और चीज लिखते हैं। सपोज मैं कहता आई एम एट द पीक ऑफ माय करियर, और एक मैं कहता आई हैव अ माउंटेन ऑफ वर्क टू डू। बहुत सोच समझ के बताना कि इसमें कौन सा सिनेक्डोकी और कौन सा मेटोनिमी है। सेकंड वाला मेटोनिमी, सेकंड वाला मेटोनिमी है, और पहला वाला क्या है? सिनेक्डोकी। ये के आपका नाम क्या है सर? ज्योति। ओके, ज्योति हैज एक्सीलेंटली गिवन द आंसर। दोनों बिल्कुल सही है, पहला वाला सिनेक्डोकी और दूसरा मेटोनिमी है। क्यों है ये बता देते हैं। मान लिया मैं, ये मेरा करियर है, ये करियर यहां से शुरू होता है, यहाँ पीक है और यहाँ डाउन होता है। तो जो पीक है वो साफ कह रहा है पीक ऑफ माय करियर, तो मेरे करियर की पीक, तो मेरा करियर के साथ ही ये जुड़ी हुई है, उसका ये एक हिस्सा है। ये करियर इतना लंबा चौड़ा है लेकिन इसका एक हिस्सा आएगा जो पीक है। ठीक है, लेकिन यहां जो माउंटेन ऑफ वर्क कह रहा है वो बिल्कुल अलग है। माउंटेन ऑफ वर्क का मतलब है मेरे पास ढेरों सारे काम है, तो इन ढेरों सारे काम को मैं माउंटेन की इमेज से दिखा रहा हूं, तो वह एसोसिएट कर रहे हैं इस काम के साथ और कुछ नहीं है। जबकि ये पीक जो है मेरे करियर का एक हिस्सा है। एक दूसरा हिस्सा ये भी हो सकता है, मैं डाउन हूं बिल्कुल अपने करियर में, ठीक है, या इनिशियल स्टेज है। एक मैं एंड ऑफ द करियर हूं, तो ये करियर का हिस्सा है और ये सिर्फ एसोसिएट कर रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो माउंटेन ऑफ वर्क टू डू। ये कोई माउंटेन का, पहाड़ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियरली? ठीक है, मेटोनिमी और सिनेक्डोके में सिर्फ यही होता है कि आपको थोड़े से एग्जाम्पल कर लेने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल काफी सारे इसमें एक साथ कर लो तो क्या होता है कि आपको
साफ साफ फिर पता लगने लग जाता है धीरे धीरे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा एग्जाम्पल इसको फेस करना ज्यादा से ज्यादा, और आपको फिर और समझ में क्लियरली आने लग जाएगा, ये पक्की बात है। तो आप किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रहा इसमें? सर एक वो एग्जाम्पल दिया था सर आपने पहले कि ए पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, थोड़ा उसको समझा देंगे सर? अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, जब तुम पढ़ते थे सर। A pen is mightier than sword, बताओ किसका एग्जाम्पल है, मेटोनिमी या सिनेक्टो की? सर ये तो मेटोनिमी का है लेकिन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। मेटोनिमी का है सर लेकिन थोड़ा समझा देंगे किस हिसाब से है? बिल्कुल समझा देंगे, लो समझा रहा हूं। इन्होंने एक अच्छा ये एग्जाम्पल दे दिया है, अ पेन इज ये 110% मेटोनिमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कैसे ये बताते हैं, देखो यहां पर जो दो हमारे पास मेटाफर क्रिएट हो रहे हैं या दो चीजें इमेज क्रिएट हो रही हैं, एक पेन है और एक है सोर्ड। अब पेन इज माइटियर देन द सोर्ड को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि पेन किसको रिप्रेजेंट करती है। पेन किसको रिप्रेजेंट करती है, कोई तुम में से बताओ ज्ञानी पुरुष? राइटर को सर। राइटिंग को, इंटेलिजेंट को, इंटेलिजेंस को, वेरी गुड, एजुकेशन को, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सर, विजडम को, सब पावर, पावर को नहीं, पावर को सोल्ड रिप्रेजेंट करती है। सोल्ड किसको रिप्रेजेंट करती है? पावर को, अथॉरिटी को। अब तुमने कहा, अभी तुमने ही कहा कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तुमने खुद ही आंसर दे दिया, और इस आंसर में ही मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये मेटोनिमी है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो पेन है वो क्लोजली एसोसिएटेड है राइटिंग के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, विजडम के साथ, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसोसिएट है। सोर्ड रिप्रेजेंट करती है पावर, अथॉरिटी को, ठीक है। तो पेन बेसिकली इंटेलिजेंस या विजडम का हिस्सा नहीं है बल्कि उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उसके साथ एसोसिएट हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पेन कहता हूं तो ये बेसिकली एसोसिएशन है, ठीक है। तो एसोसिएशन है तो अपने आप क्या हो गया, ये एकदम से क्या हो गया, मेटोनिमी। सोर्ड एक एसोसिएशन है पावर का, अथॉरिटी का, जैसे राजा का मुकुट एसोसिएशन था पावर का। तो पेन इज माइटियर देन द सोर्ड आपको सीधे सीधे बता रही है कि जो विजडम की पावर होती है वो बेसिकली फिजिकल पावर से ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेटोनिमी इसलिए है क्योंकि ये क्लोजली एसोसिएटेड चीजों की इमेजेस ला रही है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ये ऐसी कोई इमेज नहीं ला रही जो उसी का एक हिस्सा हो, ठीक है। तो इसलिए अ पेन इज माइटियर देन द सोर्ड एक 100% मेटोनिमी का केस है। बोलो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बताओ, फिर कुछ और करते हैं, ठीक है सर? समझ गया, ठीक। जैसे मेटोनिमी के केसेस क्या होते हैं, देखो एक तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से दे देता हूं केस मेटोनिमी का। पर्स कल ही हुआ है वो केस, 26 जनवरी थी कल, ठीक है। तो झंडा इज ए केस ऑफ मेटोनिमी, तो झंडा प्रतीक है, जितने भी प्रतीक हो रहे हैं वो सब मेटोनिमी के केस हैं, ठीक है। अब अगर फ्लैग आपने लहराया है, फ्लैग आपके देशभक्ति का प्रतीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्लैग अगर कहीं पर आएगा तो वो एसोसिएट करेगा पेट्रियोटिज्म से। तो जितने भी इस दुनिया में सिंबल बनेंगे वो सब मेटोनिमी के एग्जांपल होंगे, याद रखना।
कबूतर उड़ाए तुमने, तो कबूतर किसका प्रतीक है? ब्लैक कोट है तो, तो वो दे एसोसिएट विद द आइडिया ऑफ पीस, तो दे आर मेटोनिमी। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी पार्ट को कोई चीज ऐसी डिस्क्राइब होगी जो उसी का एक हिस्सा होगी जो डिस्क्राइब कर रहा है, तब वो हो जाएगा सिनेक्डोकी। वहां एसोसिएशन इसलिए होगा क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब आप इसमें खूब सारे एग्जाम्पल करना तो समझ में आ जाएगा।